पिछले कुछ वक्त से आरजेडी लगातार बिहार सरकार के कामकाज के साथ सूबे में बढ़ रहे अपराध और पुल पुलिया के गिरने जैसे मसलों को लेकर हमलावर है। खासकर लालू यादव, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य तो आए दिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर करारा तंज कसते रहते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ और इस बार निशाना साधा गया केंद्र सरकार पर और पोस्ट है आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर। लालू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 10 सालों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। ये तो दिख ही रहा है कि आज भारतीय रेल किस दुर्गति में दुर्दशा में है। किराया तो यात्रियों से वसूला जा रहा है 10 गुना ज्यादा, लेकिन सुविधा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर क्या है आज भारतीय रेल? भारतीय रेल घाटे में है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे तो मुनाफे में रेल को पहुंचाया था, किराया भी नहीं बढ़ाया था, यात्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था हुई थी, नौजवानों का भर्ती हो रहा था, रेल, भारतीय रेल देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा था, पहचान बना रहा था। ये रिसर्च हो रहा था कि आखिर बिना किराया बढ़ाए किस तरह से भारतीय रेल को मुनाफे में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। अब तो जो स्थिति है तो रेल बेचने की तैयारी है, पटरी बेचने की तैयारी है, जो दुर्गति कर दिया भारतीय रेल का केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार ने। श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए, और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी, आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आतताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होके खेलना चाहते हैं, आज उस पर भी लगाम लगाने के लिए नए तकनीक से भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। आए दिन हो रहे रेल हादसे और रेलवे के लगातार घाटे में चलने की खबरों के बीच लालू यादव की ये सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। उन्होंने रेल किराया, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम से लेकर सुरक्षा तक पर सवाल उठाए। लालू यादव खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके उठाए इन सवालों पर अगर बयानों की बौछार शुरू हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। फिलहाल तो लालू की ये पोस्ट खूब सुर्खियां बटोर रही है।